दोस्तों ये रहा यामाहा का XSR 155 कंप्लीट मैट ब्लैक के अवतार में। इसको एलिगेंस ब्लैक या ब्लैक एलिगेंस भी कह सकते हैं, इसका नाम है, इस कलर का नाम। और ये जो कलर है ये सीधा R15 का डार्क नाइट वेरिएंट जैसा ही दिखता है, वैसे ही सेम डुअल टोन फिनिश है, मतलब साइड पैनल्स में मैट फिनिश है और बीच का जो स्ट्रिप है टैंक का वो ग्लॉस फिनिश है। ये बिल्कुल R15 और MT15 से ही इंस्पायर्ड है, मतलब इसका जो अंडरपिनिंग्स है वो बिल्कुल सेम है, इसका जो फ्रेम है और जो इंजन पार्ट्स है वो बिल्कुल R15 और MT15 से ही लिया गया है। तो ये देखो ये है इसका फ्रंट टायर। तो इसका जो डिस्क है इसमें आपको ABS नहीं दिखेगा क्योंकि इंडोनेशियन वर्जन में ABS नहीं है। अगर ये इंडिया में आता है तो आपको इसमें ABS ज़रूर से मिलेगा, पर मोस्टली चांसेस ये है कि सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा, डुअल चैनल ABS ना दे, जैसे कि MT15 में सिंगल चैनल ABS है। और इसके जो रिम्स हैं आप देख सकते हो बिल्कुल अलग टाइप के वाई शेप के रिम्स है, और ये मड गार्ड भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी डुअल टोन फिनिश है। और ये रहा इसका जो अपसाइड डाउन फोक्स है, तो इंडिया में अपसाइड डाउन फोक्स नहीं आएगा कंपलसरी, वो कॉस्ट कटिंग के लिए वो लोग अपसाइड डाउन फोक्स निकाल के नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स ही आएंगे इंडिया में। और इसका जो टायर है आप देख सकते हो ये डुअल पर्पज़ टायर है, तो आप थोड़ा बहुत मतलब रफ रोड्स पे भी इसको आराम से चला सकते हो। तो इसका जो LED सेटअप है ये कंप्लीट राउंड है और काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके जो साइड ब्रैकेट्स है वो पूरे एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, तो ये काफ़ी इसको प्रीमियम बनाता है। तो इसको ऑन कर देते हैं तो ब्लिंकर्स जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बल्ब है, पर आपको एक LED यू शेप का एक LED DRL मिलता है इसमें, और जो लाइट है वो कंप्लीट LED है, तो राउंड लाइट है रेट्रोफिलिंग के लिए। अभी चलो इसके इंजन के आसपास देख लेते हैं। इसका जो ये जो फ्रेम है देख रहे हो, फ्रेम से ऐसा है, तो इंजन बिल्कुल सेम है, 155cc लिक्विड कूल्ड इंजन, और इंजन का काउल भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्लास्टिक है, और उसी के अंदर क्या बोलते हैं कूलेंट भी है, तो कूलेंट का प्लेसमेंट इंजन काउल के अंदर है जो कि बहुत यूनिक बनाता है इसको, और ऊपर रेडिएटर है। तो इसका जो इंजन है ये 18.7 BHP का पावर आउटपुट देता है और 14.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि इंडियन वेरिएंट से थोड़ा ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस की कोई कमी होने वाली नहीं है। इसमें भी 6-speed का गियरबॉक्स है, और आप टैंक का शेप देख सकते हो काफ़ी मतलब ओवल टाइप का है, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है, बस एक छोटा सा आर्क है वहाँ पे, तो काफ़ी सिंपलिस्टिक रखा गया है, काफ़ी रेट्रो फीलिंग दिया गया है, और पूरा मैट फिनिश्ड है देख सकते हो, मस्त एकदम फिनिश वाला। और यहाँ पे बिल्कुल ग्लॉस ब्लैक जैसे कि मैंने बताया डार्क नाइट वेरिएंट, और XSR का बैजिंग है यहाँ पे। ये रहा उसका फ्यूल लिड पे भी थोड़े डिज़ाइंस है, और इसका जो चाबी का पोजीशन है वो फ्यूल क्या बोलते हैं टैंक के ऊपर ही है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो बिल्कुल राउंड है, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है इस छोटे से राउंड सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जैसे कि ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और क्लॉक भी है। और इसके जो स्विचेस है वहाँ पे पास स्विच, ये इंडिकेटर्स, ये सिंगल स्विच में ही आपको मतलब पावर ऑन ऑफ का और इंजन किल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी आते हैं इसके सीट पे। सीट आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब सिंगल पीस सीट है, और काफ़ी रिप्ड सीट है, वो जो रिजेस है वो काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, और जो स्टिचिंग आप देख सकते हो काफ़ी माइन्यूट छोटे छोटे डिटेल्स दिए गए हैं, और जो साइड पैनल है वो एक्चुअली एक एल्यूमिनियम का प्लीस है, तो इसके लिए यामाहा को दाद देनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश दिख रहा है इसमें। इसका जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसका जो स्विंग आर्म आप देख रहे हो ये कैस्ट एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म है, बिल्कुल R15 V3 की तरह, MT15 में नहीं आया है, अगर ये इंडिया में आया तो शायद हमको ये कैस्ट एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म देखना ना पड़ सके, क्योंकि MT15 में उन्होंने एक बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिया है। इसका जो एग्जॉस्ट है काफ़ी स्टबी एग्जॉस्ट है, और इस पर छोटे छोटे डॉट्स वाले डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टबी जो एग्जॉस्ट है देखने में। फुटपेक्स बिल्कुल सेम है,
R15 V3 और MT15 की तरह ही है फुटपेक्स, कोई चेंजेस उधर है नहीं। फुटपेक्स का पोजीशन भी सेम होना चाहिए, तो ऐसा दिखता है, मतलब LED जो टेल लैंप है वो ऐसा दिखता है, काफ़ी मज़ेदार सा दिखने वाला टेल लैंप है। जो ब्लिंकर्स है वो ऑफकोर्स बल्ब वाले हैं, तो इंडिया में भी आएगा तो वो बल्ब वाले ही रहेंगे। तो ये रहा यामा का XSR 155। दोस्तों काफ़ी मज़ेदार बाइक है, अगर ये इंडिया में आए तो इसका प्राइस लगभग 1,40,000 के आसपास हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि ये बाइक इंडिया में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं।